छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ इकाई मुंगेली ने आज सभी विभागों में कर्मचारियों से 22 अगस्त को कलम बंद, काम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल हेतु आवेदन फॉर्म भरवाए। साथ ही हड़ताल के समर्थन में अपील भी की। राज्य सरकार ने एक दिन पहले शासकीय कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को अस्वीकार किया था, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष ए रिजवी ने बताया कि पिछले 3 सालों से राज्य के कर्मचारी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे चल रहे हैं, जिससे राज्य के कर्मचारियों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 22 तारीख से इस महीने की 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसमें भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त को घोषणा करने की उम्मीद थी, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, मगर एक बार फिर उनके तरफ से छलावा हासिल